नौबस्ता के बाबा नगर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से 40,000 की बदमाश ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया और मौके से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को दी जानकारी। अच्छा, कहाँ रहते हो? हम बाबा नगर नौबस्ता। अच्छा, क्या घटना हुई आप? अरे, हमारे यहाँ गेट के पास आया एक लड़का बाइक से, बड़बड़ गेट किया। उसने कहा कि हमने खोला, उसने कहा कि आपका जो माल आया है घर बनने के लिए, तो उनने पैसा मंगाया है। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास पैसे तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं पैसे, वो क्या आप हमें 1,000 या 2,000 दे दें। तो हमने कहा ठीक है। तो हम 1,000-2,000 निकालने के लिए गड्डी निकालने लगे, पैसे निकालने लगे। तो हमारे पास 40,000 की गड्डी थी, तो हम उसी गड्डी से निकले। तो उसने हमें झेल दिया और गड्डी पूरी ले आए। और फिर हमने फ़ोन मिलाया, 112 नंबर डायल किया, आधा घंटा डायल करते रहे। तो उनने भैया नहीं, वो 112 नंबर उठा नहीं, कोई आया नहीं, उठाया नहीं उनने। फिर जब बहुत देर बाद हमने बेटे को चौकी में भेजा, तो वहाँ से पुलिस आई थी। उनने कहा कि आप खुद ही इतना वो सचेत रहिए सिटी में रह के कि किसी को गेट ना खोलिए। हमने कहा सामने सीसी कैमरा लगा है, तो उसमें फ़ोटो, अभी उनका ताला बंद है, जब वो आएंगे तो दिखा देंगे। कहने आप वो फ़ोटो खींच के हमारे पास भिजवा दीजिए, फ़ोटो लेके आप हमारे पास। अच्छा, कितना समय था जब वो आया था? 2.5 से 3, 2.5 से। अच्छा, तो 112 पुलिस आई तो क्या बोला? 112 वाले बोले, कहने लगे आप अपना खुद ही सिटी में रहती हैं, होशियार रहना चाहिए आपको। कह लगा आप अपना खुद ही हिसाब से रहें, आपने क्यों गेट खोल दिया? उनने यही कहा, कह ये तो रोज की घटना होती, किसी का फोन ऐंचता है, किसी के पैसे चोरी होते हैं।